Okay, in this video I will discuss Angular JS interview question. ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Angular JS की कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोगों को Angular JS के इंटरव्यू क्वेश्चंस पता नहीं होते कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस Angular JS में पूछे जाएंगे. ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखो, Angular JS एंड Angular JS फ्रेमवर्क, सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. यदि कंपनी एंगुलर जेएस की बात कर रही है, मतलब वो एंगुलर जेएस 1.0 की बात कर रही है, और यदि अपन एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क की बात करें तो एंगुलर जेएस का जो फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ था वो 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, ये इसके स्टेबल वर्जन. पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ. तो मैं अभी आपको जो क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ वो एंगुलर जेएस 1.0 और एंगुलर जेएस की ये सभी, मतलब ये कंबाइंड इंटरव्यू क्वेश्चंस का बताना चाह रहा हूँ कि एंगुलर जेएस में कंबाइंड क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एंगुलर जेएस 1.0 से बिलोंग करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 2, 4, 5, 6, 7 के कॉमन क्वेश्चन हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस एंड नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट. नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस में क्या डिफरेंस है, ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हर एंगुलर जेएस इंटरव्यू के लिए. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज डायरेक्टिव एलिमेंट्स इन एंगुलर जेएस. एंगुलर जेएस में कौन कौन से डायरेक्टिव एलिमेंट्स मोस्टली यूज होते हैं, कुछ डायरेक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है. एनजी मॉडल क्या करता है, एनजी बाइंड का काम क्या होता है, एनजी रिपीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव एलिमेंट्स हैं इंटरव्यू के लिए. एनजी पैटर्न, ये वैलिडेशन पर्पस से यूज़ किया जाता है. एनजी स्टाइल, ये सीएसएस के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये सभी टैग्स, ये सभी डायरेक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और कैसे इसका काम होता है ये पूछा जाता है. What is dollar scope and dollar event? What is dollar scope variable in Angular? Angular में dollar scope variable का क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन फोर, What is Angular API? Angular के अंदर API क्या होता है, API functions क्या होते हैं. अब बहुत सारे लोग API में कन्फ्यूज हो जाते हैं, API मतलब उनको वेब सर्विस दिखने लग जाता है, जबकि Angular का API जो है Angular के प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे लोअर केस, कॉपी करना, angular.copy, angular.lowercase, angular.uppercase, ये सब क्या होते हैं, Angular के API functions होते हैं. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके बाद व्हाट इज मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस. एंगुलर जेएस में मॉड्यूल का क्या रोल होता है, एंगुलर जेएस, एंड हाउ वी कैन क्रिएट मॉड्यूल. हम अपना खुद का मॉड्यूल, जैसे बहुत सारे लोगों को कंपोनेंट कैसे बनाते हैं ये तो पता होता है, सर्विसेज कैसे बनाते हैं ये भी पता होता है, लेकिन मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और मॉड्यूल का क्या इंपॉर्टेंसी होती है, मॉड्यूल और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. व्हाट इज कंपोनेंट एंड सब कंपोनेंट, कंपोनेंट सब कंपोनेंट एंड रूट कंपोनेंट, ये तीनों टाइप के कंपोनेंट क्या होते हैं. क्वेश्चन सेवन, व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगुलर जेएस. व्हाट इज डेटा बाइंडिंग कॉन्सेप्ट इन एंगुलर जेएस, एक्सप्लेन वन वे एंड टू वे बाइंडिंग, वन वे टू वे बाइंडिंग विथ एग्जाम्पल. इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग, इन दोनों का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे यूज होती है, इवेंट बाइंडिंग कैसे यूज होती है. क्वेश्चन नाइन, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एंगुलर जेएस
हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट देम, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. क्वेश्चन 10, व्हाट इज इस्पा, मीन्स सिंगल पेज एप्लीकेशन. इस्पा का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन. क्वेश्चन 11, व्हाट इज राउटिंग कॉन्सेप्ट, हाउ वी कैन क्रिएट राउट. आप राउट कैसे बनाते हो, अलग से राउट बना सकते हो, राउट कितने तरीके से बना सकते हो, पैरामीटर कैसे सेंड कर सकते हो. हाउ वी कैन नेविगेट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम कैसे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. हाउ वी कैन पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा कैसे पास करेंगे. आफ्टर दैट, व्हाट इज पाइप और फिल्टर इन एंगुलर जेएस, हाउ वी क्रिएट कस्टम डायरेक्टिव एलिमेंट्स इन एंगुलर जेएस. कस्टम डायरेक्टिव एलिमेंट्स आप कैसे बना सकते हो एंगुलर जेएस में, जैसे आपको अपना खुद का डायरेक्टिव एलिमेंट्स बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कौन सा मेथड होता है, ये क्वेश्चन भी हरदम पूछा जाता है. हाउ वी यूज फिल्टर इन एंगुलर, फिल्टर टाइप का फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं एंगुलर जीएस के अंदर, ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है. व्हाट इज सर्विसेस, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल को अपन बोलते हैं HTTP, एक्सटर्नल HTTP सर्विसेस इन एंगुलर JS. एंगुलर पेज लाइफ साइकिल, एंगुलर का पेज लाइफ साइकिल कैसे होता है, कैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन वर्क करता है, ये आपका पूछा जाएगा. व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट, डिफरेंस बिटवीन जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है. क्वेश्चन 20, हाउ वी कैन कॉल वेब सर्विसेस इन एंगुलर जेएस फॉर इंसर्ट फॉर क्रेड ऑपरेशंस. क्रेड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इन सब के लिए कैसे आप एंगुलर जेएस के अंदर सर्विस कॉलिंग करोगे, उसके लिए क्या प्रोसेस आप यूज़ करोगे, उसके लिए क्या लाइन आप कोड आप ही लिखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है. दीज आर द क्वेश्चंस फॉर एंगुलर जेएस इंटरव्यूज. यदि आपने ये सभी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर लिया तो आप एंगुलर जेएस के अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और एंगुलर जेएस का इंटरव्यूज भी ईजी वे में क्रैक कर सकते हैं. ओके, तो थैंक्स फॉर दिस सेशन. मैंने आपको इस सेशन में इसकी जानकारी दी कि एंगुलर जेएस में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके.